हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव में स्पेशली मॉडल वर्ब्स। तो हम देखेंगे कि अगर एक्टिव में मॉडल वर्ब आ जाए तो हम कैसे उसको पैसिव में चेंज करेंगे और क्या रूल्स हैं चेंज करने के मॉडल वर्ब के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वाइज में। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अच्छा, हम चलते हैं मॉडल वर्ब्स पे। आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है या इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है या इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं सेंटेंसेस बनाने में। तो देखो, ये कौन से हो सकते हैं, कैन, मे, मस्ट, कुड, शुड, वुड, ये जो हैं वर्ब्स हैं इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, अब शुरू में हम देखेंगे कैन को, कैन, शी कैन अटेंड द क्लास। अब ये सेंटेंस जो है इसमें मॉडल वर्ब यूज है, अब इसको कैसे पैसिव किया जाता है, सिंपल है। जब भी मॉडल वर्ब आ जाए किसी सेंटेंस में तो हम जब पैसिव करते हैं तो उसके आंसर में, इट मीन पैसिव में, हम बी का इजाफा करते हैं। किसके? बी का इजाफा करते हैं। कैसे? अब देखो, इसमें दी क्लास ऑब्जेक्ट कौन सा है? दी क्लास, भाई यहाँ पर लिख रहा हूं मैं दी क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखा जाता है। ये कैसे होते हैं, ये चेंज करने के रूल क्या है कि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद क्या रखे हैं, फार्मूला क्या होता है, ये मैंने शुरू वाले वीडियोज में बहुत ही क्लियरली डिटेल से समझा दिया था, तो आप वहां पर विजिट करके सीख सकते हैं। तो देखो, पहले पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? दी क्लास, यहाँ पर रखा दी क्लास। अब देखो, जो यहाँ पर मॉडल वर्ब होगा वो हम लिखेंगे कैन है, तो आप सिर्फ इसमें क्या करेंगे, कैन बी करेंगे। ठीक है, दी क्लास कैन बी। अब वर्ब कौन सा? अटेंड। और आपको पता होगा जी, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कैन बी अटेंडेड बाय, शी का पजेसिव क्या होगा? शी का पजेसिव हर होगा। ठीक है, तो लिस्ट आते हैं। अब अगर सोचो यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, शी कैन नॉट, सपोज शी कैन नॉट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कैन और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, क्लास कैन नॉट बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ये ऐसे आ जाए, ये कैन शुरू में आ जाए, कैन शुरू में आ जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो कैन है ये यहां पर शुरू में रखेंगे और बी जो है, जो हम यहां से ऑब्जेक्ट लेकर एज ए सब्जेक्ट यहां पर बना रहे हैं, इसके बाद रखेंगे कैन द क्लास बी। ठीक है, तो हम यहां पर कैन लिखते हैं वापस और यहां पर फुल स्टॉप दे रहे हैं। अब देखिए, अगर ऐसे आ जाए कैन शी नॉट, इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क दे दें तो कैसे होगा, आप देखो, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करने के लिए कैन शुरू में रखेंगे। अब कैन शुरू में आ गया, दी के लास्ट, उसके बाद नॉट देंगे, नॉट बी अटेंडेड बाय हर, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं, यू मे टेस्ट द मैंगोज। अब ये कौन सा है? मैंगोज, दी मैंगोज लिखेंगे, दी मैंगोज। अब इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है? मे, अब मे भी करेंगे। वर्ब कौन सा है? टेस्ट। थर्ड फॉर्म कौन सी है? टेस्टेड, द मैंगोस मे बी टेस्टेड बाय लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर रखें, और इसके इसी तरह से जैसे हमने ये सेंटेंस किया, इसी तरह के इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर सकते हैं। अब आ जाए इस पे, इसमें देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इट, हम इट यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट जगह, इट का सब्जेक्ट भी इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है। ठीक है, इट, उसके बाद मस्ट बी लिखेंगे। अब वर्ब कौन सा है? डू, थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद बाय, और लास्ट में यू रखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसको करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा? ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है शुरू में रखा, उसके बाद गुड लिखेंगे, गुड, उसके बाद बी का इजाफा करेंगे। अब वर्ब देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, लेटर कुड बी सेंड, उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद ही का होगा जी।
ठीक है, इसी तरह कुछ और सेंटेंस हैं, हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसी तरह ये पांचवा नंबर है वुड, वुड को कैसे करेंगे, मैंने सेंटेंस लिखा शी वुड बाय द बुक्स, अब बुक्स दी बुक्स लिखेंगे शुरू में, दी बुक्स लिखा, उसके बाद ये देखो मॉडल वर्ब कौन सा, वुड, आप लिखेंगे वुड, बी का इजाफा करेंगे, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय की बाट होती है, बाट बाय लिखेंगे, और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट गेस क्या होगा, इस तरह इसको देखें ऑब्जेक्ट कौन सा, आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स लिखा, अब मॉडल वर्ब कौन सा है, शुड, शुड बी का इजाफा करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और सब्जेक्ट का आप जरूर कह सकते हैं। इसी तरह आप माइक का भी कर सकते हैं और जो मॉडल वर्ब्स हैं इनका कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करें और इस वीडियो पर लाइक दें, कमेंट दें और शेयर करना।